हे गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो आप सबके लिए खुशखबरी है क्योंकि एमटीएस का आंसर की आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर सबसे पहले ही एमटीएस के आंसर की का नोटिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस नोटिस के ऊपर क्लिक करना है और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ओके, और पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी आंसर कुछ और होगा या गलत दिया हुआ है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, यानी चैलेंज कर सकते हो। वो भी 20 नवंबर 2017 से, यानी आज से 26 नवंबर 2017 तक, यानी 5 बजे तक। उसके बाद आप नहीं कर सकते। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज देना होगा। याद रखिए, 26 नवंबर के बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये आपका लास्ट डेट है चैलेंज करने के लिए। ओके, तो कृपया अपने आंसर की चेक कीजिए और कोई भी आंसर गलत लगे तो चैलेंज कीजिए। ओके, और कैसे आपको आंसर की चेक करना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। इस पीडीएफ के लास्ट में ही एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस 2016। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। उसके बाद रोल नंबर के अंदर आप अपना रोल नंबर डालिए, पासवर्ड के अंदर आप अपना पासवर्ड यानी आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद एग्जाम डेट यानी किस दिन पे आप एग्जाम दिए थे, ये सही देना होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक डाल के आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने सारे आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को गलत लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में चैलेंज लिखा हुआ होगा, उस चैलेंज के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 100 रुपीज़ आपको फीस पे करना होगा। उसके बाद आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको आंसर की चेक करने के बाद आपको कितना मार्क्स मिल रहा है वो कृपया कॉमेंट करके बताइए। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, ताकि आप दूसरे का नंबर देख सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को अच्छा लगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।